नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि अष्टम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि पति पत्नी में पति की कर्क राशि है और पत्नी की मेष राशि है तो उनका जो वैवाहिक जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर अमल करना ज़्यादा आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो टालनी चाहिए, उसी प्रकार उनका जो लैंगिक जीवन है वो किस प्रकार का होगा, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर हर राशि के जो पुरुष है या फिर पति है और हर राशि की जो महिला है या फिर स्त्री है, पत्नी है, उनका परस्पर जो वैवाहिक जीवन होगा वह किस प्रकार का होगा उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद ज़रूर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि पति पत्नी में पति की राशि कर्क राशि है और पत्नी की अगर मेष राशि है तो उनका जो वैवाहिक जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा। तो उसके बारे में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कर्क राशि का जो नेचर है, जो स्वभाव है, वो किस प्रकार का होता है। कर्क राशि के बारे में अगर देखा जाए तो यह चतुर्थ भाव में आने वाली राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वह चंद्रमा है और इस राशि का जो तत्व है वह जल तत्व है और चर इस प्रकार की यह राशि है। इनका जो नेचर है, मतलब कर्क राशि का जो नेचर वह देखा जाए तो यह राशि जो है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा भावुक है, बहुत ही ज़्यादा भावनाशील है, छोटी मोटी बातों पर ज़्यादा सोचने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह अकेली राशि है, मतलब 12 राशियों में यह अकेली राशि है जो कि रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है या फिर जो रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। और ये अकेली एक राशि है जो कि घर के जो लोग होते हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा उनका अटैचमेंट होता है, मतलब इनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके साथ इनका जो अटैचमेंट है वो काफ़ी देखा जाता है, काफ़ी गहरा होता है। और स्पेशली खास करके इनकी जो माता जी होती है, इनकी जो माँ होती है, उनके साथ इनके जो बॉन्डिंग होते हैं वो कई, मतलब अलग ही प्रकार के होते हैं। मतलब इनके इनके माँ के साथ या फिर माँ के इनके साथ जो बॉन्डिंग होती है, जो बंध होते हैं, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो यही बात होती है, इसी वजह से हमेशा यह जो राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो स्त्री हो या पुरुष, अभी हम बात कर रहे हैं कर्क राशि के जो पुरुष होते हैं, तो पुरुषों के बारे में भी ये बात देखी जाती है कि वे हमेशा अपनी जो फैमिली है उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और ये पुरुष भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल देखे जाते हैं, जी हाँ, मतलब पुरुष होने के बावजूद ये क्वालिटीज़, मतलब फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना या फिर भावुक होना, यह जो बात है, यह बात इस राशि के जो पुरुष होते हैं इनमें बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, हार्ड वर्किंग होते हैं इस राशि के जो पुरुष होते हैं, वो काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने चाहिए, कैसे खर्च करने चाहिए, किस प्रकार से खर्च करने चाहिए, ये बात इनमें इनको बहुत ही अच्छी तरह से आती है या फिर भाती भी है। किसी भी प्रकार की अगर वस्तु ले तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि पैसे के मामले में जो भी बातें है, जैसे कि हम गृहिणी के बारे में सोचते हैं, कोई भी गृहिणी अगर पैसे के मामले की बात आ जाए तो थोड़ा सा उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो यह बात इस राशि के जो पुरुष होते हैं उनमें भी देखी जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो इनका जो रहन सहन होता है वो फैशनेबल बिल्कुल भी नहीं होता। जो भी सोबर फैशन है, जो भी ट्रेंडिंग फैशन, मतलब इस फैशन के ऊपर अगर ज़्यादा पैसे खर्चे न होते हुए हैं तो इस राशि के जो पुरुष है वो फैशन वो करेंगे, मतलब नॉर्मल एज ऑफ देखा जाए तो ज़्यादा फैशनेबल इस राशि के जो पुरुष होते हैं वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते, ये इनकी सकारात्मक बात है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन एक ही विषय पर कई घंटों तक बोलने की जो क्षमता होती है वो उनमें देखी जाती है। और नॉर्मली ये जो विषय होते हैं वो घर से रिलेट करने वाले होते हैं, मतलब रिश्ते से रिलेट करने वाले होते हैं। और नॉर्मली अगर आप इनसे बातचीत करें तो अपने घर के जो लोग हैं, मतलब इनके जो घर के लोग होंगे उनके ही बारे में इस राशि के जो पुरुष भी है तो ज़्यादा बोलेंगे। और आपके बारे में भी अगर उनको बोलना है तो आपका करियर क्या है, आपके बाहर के जो आपसे बाहर के जो लोग हैं उनसे क्या है, उससे ज़्यादा आपके घर का मामला क्या है, आपके घर से कितने ज़्यादा अटैच हो, इसके बारे में इन्हें जानना या फिर उसके बारे में सोचना या फिर बोलना इन्हें ज़्यादा पसंद आता है। तो ये अकेली एक राशि है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये जो राशि है रिलेशनशिप के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचती है। और अपने से ज़्यादा देखिए, इस राशि के जो पुरुष होते हैं अपने खुशी ज़्यादा नहीं देखेंगे, इस राशि के पुरुष यह देखेंगे अगर घर के लोग खुश हैं तो उसमें ही अपने खुशी मानने वाले इस राशि के जो पुरुष होते हैं वो देखे जाते हैं। और ये बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
अब जैसे देखा जाए तो जैसे मैंने कहा कि इनको इनका जो नेचर होता है प्रैक्टिकल होता है, तो इस राशि के पुरुष भी हो तो उनको घर के काम करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती और उसे वो कम नहीं आते। घर का भी काम हो तो वो अच्छी तरीके से पूरे कर लेते हैं और घर के बाहर का काम तो अच्छी तरीके से कर ही लेते हैं, लेकिन ये अकेली राशि है जिसमें इस राशि के जो पुरुष है वो घर का काम भी अच्छी तरीके से करते हैं। तो मतलब इनकी जो पत्नी होती है उनके लिए ये काफ़ी पॉजिटिव आस्पेक्ट भी हो जाता है। अब हम देखेंगे मेष राशि की जो स्त्री है या फिर मेष राशि की जो पत्नी है उनका जो नेचर है, उनका जो स्वभाव है वो किस प्रकार का होता है। मेष राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की जो कुंडली है उसमें प्रथम स्थान में, प्रथम भाव में आने वाली राशि है। यह राशि पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वह मंगल है, चर राशि है और इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। तो कई मायनों में अगर देखा जाए तो इस राशि का जो स्वामी है वो भी मंगल है, वो भी पुरुष ग्रह है, इस राशि भी पुरुष राशि है और इसका तत्व भी अग्नि है। तो आपको पता चला होगा कि इस राशि की जो यह जो राशि है, मतलब जो मेष राशि है, इनमें एनर्जी लेवल होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल होती है। ये इतनी ज़्यादा होती है कि इस राशि की जो महिला भी हो तो वो एक स्थान पर कभी स्थिर नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ तो काम इनको चाहिए। अगर कुछ काम ना हो तो भी इनके शरीर के जो अवयव है वो हिलते डुलते नज़र आएंगे, मतलब शांत नहीं बैठेंगे, बिजी बॉडी जिसे हम बोलते हैं वो काफ़ी देखे जाते हैं। तो इसीलिए फिजिकल काम, शारीरिक श्रम इन्हें बहुत अच्छा भाता है, बहुत अच्छा पसंद भी आता है और अच्छा शारीरिक जो श्रम है वो कर भी लेते हैं। इसी वजह से इनकी जो हार्ड वर्किंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जाती है। बाकी जो भी राशि है इनमें सबसे ज़्यादा और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर कोई भी काम करना है, अगर इनके सामने किसी भी प्रकार का अगर काम आए तो वो ये नहीं सोचेंगे कि ज़्यादा नहीं सोचते, इन डेप्थ नहीं सोचते। अगर उनको पहले ही बार लगता है कि यह काम हम कर सकेंगे तो उसके बाद उसके बारे में दोबारा सोच नहीं होती, वो पूरा मतलब अपना 100% उसमें झोंक देते हैं और पूरी तरह से वो काम है वो पूरा करते हैं। और इनके बारे में एक जो बात है वो भी बहुत अच्छी है कि हमेशा कोई भी काम करते हुए पहले ये सोचेंगे कि आराम नहीं करना, पहले हम काम करते हैं उसके बाद आराम, तो ये बात अच्छी होती है, जिसकी वजह से हार्ड वर्किंग नेचर होता है, थोड़ा सा करेजियस नेचर भी इनमें देखा जाता है, मतलब धैर्य देखा जाता है, काफ़ी निडर होते हैं, किसी से भी नहीं डरते, किसी परिस्थिति से भी नहीं डरेंगे या फिर किसी व्यक्ति से भी नहीं डरेंगे। अगर कोई भी काम अगर इनको करना है तो किसी भी हाल में वो काम पूरा करेंगे, तो ये बात इनमें काफ़ी अच्छी और सकारात्मक देखी जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इस राशि की जो महिला भी अगर देखी जाए तो वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट होती है। नॉर्मली क्या देखा जाता है कि जो महिला वर्ग होते हैं वो गॉसिपिंग ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इस राशि की जो महिला होती है उनके वो गॉसिपिंग ज़्यादा पसंद नहीं आती है। हालांकि गॉसिपिंग में वो विश्वास भी नहीं रखती, जो भी बात है सीधे सीधे बोलने में विश्वास रखती है, पीठ पीछे बातें करना इनको बिल्कुल भी रास नहीं आता। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जिसे हम डिप्लोमेसी कहते हैं, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि अपनी चिकनी चुपड़ी बातें बताकर कई जो लोग होते हैं वो अपनी बात आपसे मनवा लेते हैं, तो ये बात इनमें नहीं देखी जाती। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इनमें ट्रांसपेरेंसी लेवल काफ़ी अच्छी देखी जाती है, जो भी बात दिल में है वही जुबा पर होती है, इसी वजह से सत्य हमेशा कटु होते हैं या फिर कड़वा होता है, तो यह बात आपने सुनी होगी। तो इसी वजह से इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी कड़वी देखी जाती है, सत्य वचन ये बोलते हैं, इसी वजह से ये जो बात है मतलब इनकी जो वाणी है वह कड़वी देखी जाती है। और इनमें एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा देखी जाती है, इसी वजह से क्या होता है कि कोई भी बात अगर करनी है तो उसमें पेशेंस इनको बहुत कम होता है। क्या होता है कि हमेशा हमारा जो नेचर होता है, हमारा जो स्वभाव होता है, उसी प्रकार से सामने वाले जो व्यक्ति है उनसे भी जो रिस्पॉन्स होता है वो एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब अगर ये समझो ये पत्नी है, मेष राशि की पत्नी के बारे में हम जब से बात कर रहे हैं, अगर इनके जो पति कर्क राशि के बारे में हमने देखा, तो अगर उनको कोई काम इन्होंने सौंप दिया और उनसे वो काम ना हुआ या फिर उन्होंने उनके बारे में रिस्पॉन्स जल्दी नहीं दिया तो फिर इनका जो गुस्सा है वो चढ़ जाता है। मतलब यही बात होती है, यह हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाले जो व्यक्ति है उन्होंने भी किसी भी काम के प्रति उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो फास्ट होना चाहिए, वो जल्दी जल्दी होना चाहिए। अगर वो नहीं होता तो फिर इनको गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो यह बात इनमें काफ़ी देखी जाती है। इसी वजह से इस राशि की जो महिला होती है वो थोड़ी सी तेज तर्रा या फिर इनकी जो इमेज होती है, इनकी जो प्रतिमा होती है वो थोड़ी सी तीखी देखी जाती है। हालांकि इसमें इनके मन में कोई मलाल नहीं होता किसी के प्रति, लेकिन इनका जो नेचर होता है या फिर इनका जो एनर्जी लेवल होता है इनमें वो काफ़ी हाई होने के कारण ही इनमें यह बात देखी जाती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, बाकी लोगों के लिए देखा जाए, तो ये जो नेचर है वो वैसे पॉजिटिव ही देखा जाता है।
और करियर के मामले में अगर देखा जाए तो इस राशि की जो महिला होती है वो करियर में बहुत ही अच्छे तरीके से सेटल हो जाती है। घर के काम से वो बाहर का जो काम है वो ज़्यादा पसंद करती है, मतलब इन्हें एप्रिसिएशन काफ़ी अच्छा लगता है, और अगर घर के काम किया जाए तो उसमें एप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो यही बात होती है। लेकिन घर का भी काम करती है, अगर उनको गुस्सा आ जाए तो बर्तनों का आवाज़ भी ज़्यादा होता है, ये बात इनमें खास देखी जाती है। लेकिन बाहर का काम है जो भी है, मतलब अगर वो व्यवसाय है, कोई बिजनेस है या फिर नौकरी है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से पूरा कर लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इस राशि की जो महिला होती है। और जैसे मैंने कहा, इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी तीखी होती है, और तीखी क्यों होती है वो अगर समझ लिया जाए तो आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। तो अगर कर्क राशि के पति या मेष राशि की पत्नी, इनका जो विवाह है या फिर पति पत्नी कर्क या फिर मेष राशि के हैं, तो उनका उनका जो वैवाहिक जीवन होगा वह किस प्रकार का होगा। कर्क मेष राशि के महिला जो हो या फिर पत्नी जो है, उनके लिए मैं एक बात इसे मास्टर की भी कही है कहना चाहूँगा, कुछ भी हो जाए आप ये बात हमेशा याद रखना कि आपके जो कर्क राशि के जो आपके जो पति हैं, इनके जो घर के लोग हैं और ख़ास करके इनके जो माता जी हैं, उनके बारे में कभी भी अलग से शब्द नहीं निकालना, कभी भी तीखी वाणी नहीं करना, कभी भी बुरा शब्द नहीं निकालना। अगर आप इनको अगर रिस्पेक्ट नहीं देते, लेकिन इनके जो माता जी है या फिर इनके घर के जो लोग हैं उनके प्रति अगर आपकी वाणी अच्छी है, उनके प्रति आपका जो व्यवहार है वो अच्छा है, तो उसमें ही इस यह राशि के जो मतलब कर्क राशि के जो आपके पति हैं वो समाधानी होंगे, संतुष्ट होंगे, फिर आपके लिए किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं। और इस राशि के जो पुरुष हैं वो घर का भी काम आपके लिए पूरा कर देंगे, तो ये बात आपको जाननी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर ये बात आप अच्छी तरीके से कर लेते हो तो आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस कभी भी नहीं आएंगे, यह बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और हमेशा याद रखिए, फिर आपसे कोई भी किसी भी प्रकार की किसी भी एक्सटेंट तक अगर गलती हो जाती है, फिर भी किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपके वैवाहिक जीवन में कभी भी नहीं आएंगे। तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो लैंगिक जीवन है वो किस प्रकार का होगा, मतलब कर्क राशि के जो पति और मेष राशि की जो पत्नी है उनका जो लैंगिक जीवन है वो किस प्रकार का होगा। लैंगिक जीवन के बारे में अगर देखा जाए तो कर्क राशि के जो पुरुष है या फिर कर्क राशि के जो पति है, उनका जो अट्रैक्शन होता है लैंगिक जीवन के प्रति वो ज़्यादा नहीं देखा जाता, वो नॉर्मल रहता है, नॉर्मल से थोड़ा कम कहो तो भी चल सकता है। लेकिन मेष राशि की जो महिला है या फिर पत्नी है, उनका जो आकर्षण होता है लैंगिक जो लैंगिकता के प्रति वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, या फिर जैसे मैंने कहा कि इनमें ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा होती है, तो कोई भी बात अगर करनी है तो इम्पेशेंटनेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी वजह से अगर लैंगिक जो आप लैंगिक सुख है उसके पहले अगर आप दोनों परस्पर बैठ के उसके बारे में आदान प्रदान आपके विचारों को हो जाए तो फिर आपका जो लैंगिक सुख है वो अच्छी तरीके से हो सकता है। लेकिन अगर वैसा नहीं हुआ तो आप में लैंगिक विचार लैंगिक सुख के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं, ऐसे काफ़ी ज़्यादा कुंडलियाँ हमारे पास भी आती है कि इसमें यह रीज़न होता है। हालांकि जो रीज़न या फिर कारण होता है वो खुलकर सामने नहीं आता, जैसे हम उसके उनके कुंडली है उसमें झांकते हैं तो फिर ये बात धीरे धीरे आगे सामने आ जाते हैं। लेकिन देखिए, ये जो लैंगिक जीवन की जो बात है वो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, तो इसको बिल्कुल भी कम नहीं आंकना, क्योंकि शादी के बाद ये बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर इसके बावजूद आपके वैवाहिक जीवन में कभी किसी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आ जाए तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होते हैं, क्योंकि कुंडली में चंद्रमा के अलावा, क्योंकि ये जो राशियाँ होती हैं वो चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है, लेकिन चंद्रमा के अलावा बाकी भी 11 ग्रह होते हैं, वो ग्रह भी अपने अपने तरीके से आपके कुंडली पर परिणाम करते हैं, तो वो परिणाम किस प्रकार के हैं वो भी जानना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो कुंडली देखने के बाद किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण जो व्यक्तित्व है उसे देखा जा सकता है और उसके जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके बारे में कहा जा सकता है। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और आप सभी से मेरा और एक अनुमोदन है कि हमने एक और चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है अज्ञात की ओर। इस चैनल पर अज्ञात में छुपी ऐसी बातें जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती या फिर उसके बारे में थोड़ा कुतूहल होता है हमारे मन में कि उसके बारे में किस तरह से जानकारी हम पाए या फिर उसके उत्तर हमें कभी कभी नहीं मिलते, ऐसे कभी कई बातें होती है जिसकी वजह से हम सेल्फ मोटिवेशन पाते हैं। तो इस प्रकार के जो वीडियो है वो इस चैनल पर अपलोड हो गए, उसकी जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी इस चैनल की। ज़रूर इस चैनल पर जाइए, अपने जो कमेंट है वो भी वहाँ पर कमेंट कीजिए, और वो जो चैनल है अज्ञात की वो भी
लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।